नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं गिरिराज शर्मा। सरल टॉक की आवाज को कीजिए सब्सक्राइब और फैलाइए जन जन तक। सर्दी के इस मौसम में जरा सी हवा चलने लगे तो हम खुद को ठंड से बचाने के लिए कंबल का सहारा लेते हैं या फिर सहारा लेते हैं आग का। और जब उसी सर्दी के बीच में बारिश होने लगे तो सोचिए आलम क्या होगा। और इसी आलम के बीच में भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान मोदी सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। बारिश की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के टेंटों में पानी भर गया। किसान जहां पर खाना बनाते थे वहां पर पानी आने लगा, लेकिन बारिश किसानों के हौसले को हिला नहीं पाई। बारिश के बीच में किसानों को इस हालात में देखकर देश के हर व्यक्ति का हृदय पसीज जाए, लेकिन नहीं पसीज रहा तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन। वो मन की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद किसानों के मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। देश का किसान उम्मीद कर रहा है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द सद्बुद्धि आ जाए और उस सद्बुद्धि के बाद देश के किसानों के हालातों को समझे और कृषि कानूनों को स्वेच्छा से वापस ले लिया जाए। इस किसान आंदोलन में अब तक 54 किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार रजाई में छिप कर के बैठ गई है और ऊपर से लगा लिया है टोपा कि न किसानों की बात सुन पा रही है, न किसानों के इस दर्द को देख पा रही है। किसान और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत हो चुकी है। 4 जनवरी को होनी है आठवें दौर की बातचीत। सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है, बिजली सब्सिडी की मांग और पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है। वहीं 2 मांगों पर सरकार और किसानों के बीच सहमति होनी है, कृषि कानूनों को वापस और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 4 जनवरी को अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया उनकी मांगों को लेकर के, तो किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली से परेड निकालेंगे। मोदी सरकार एक तरफ किसानों को किसान सम्मान निधि देकर किसानों के हित की बात कर रही है, तो वहां कड़ाके की सर्दी में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है, उनके हालातों को नजरअंदाज कर रही है और उनके लिए नहीं कर रही किसी भी प्रकार का कोई ठोस विचार। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी से ये भी है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।